हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। मैं हूँ मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हो मोहम्मद औरंगज़ेब ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो मैं बनाने जा रहा हूँ, एक्चुअली आज है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जब कोई भी एक प्रोजेक्ट जब बनना स्टार्ट होता है तो कैसे, मतलब प्रोसेस क्या है एक प्रोजेक्ट बनना, एक प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है और स्टार्टिंग काम कहाँ से करते हैं। तो मैं उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ, एक्चुअली एक प्लांट बनने जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद औरंगज़ेब है और मैं अभी काम कर रहा हूँ गुजरात के जामनगर में, और लोकेशन है बाड़ीनार और प्रोजेक्ट का नाम है पीपल। तो सबसे पहले लैंड डिसाइड करता है और ये है, ये जो प्लांट देख रहे हैं वो है रिफाइनरी, और रिफाइनरी के बाजू में ही यहाँ पर देवरिया पाटे जगह का नाम है, इस जगह का नाम है देवरिया पाटे। देवरिया पाट से आप क्रॉस करके आएंगे तो राइट साइड में जो है वो रिफाइनरी है और लेफ्ट साइड में ये प्लांट बन रहा है। उधर अगर आएंगे तो देवरिया पाटे से अगर आप इधर रोड में क्रॉस करेंगे तो ये है लैंड। तो सबसे पहले लैंड डिसाइड होता है और ये लैंड डिसाइड हो गया है और यहीं पर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसको बोलते हैं पीपी प्रोजेक्ट। इसी ज़मीन पर, इसी जगह पर यह प्रोजेक्ट बनेगा। तो प्रोजेक्ट बनने के लिए यहाँ पर एक्चुअली पहले कॉलोनी था। और गाइस, ये है एक्सट्रूडर बिल्डिंग। जब प्लांट स्टार्ट हुआ था तो ये स्टार्टिंग का टाइम है और ये है 2022 का फरवरी का, 2022 फरवरी फरवरी में ये इतना काम स्टार्ट हुआ था। और ये है एक्सट्रूडर बिल्डिंग जिसका एक फ्लोर कंप्लीट हुआ था और दूसरा का काम स्टार्ट था। तो फिर धीरे धीरे ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा प्रोजेक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा। और पहले देखो स्टार्टिंग टाइम, बिल्कुल ये स्टार्टिंग टाइम है जहाँ पे अभी सिर्फ सिविल का काम चल रहा था और हम लोगों का फैब्रिकेशन का काम चल रहा था, तब का ये वीडियो है। और मैंने धीरे धीरे वीडियो क्लिप बना करके रखा था पहले से ही कि मुझे पूरे प्रोजेक्ट का बनाना है। तो ये देखो, ये इधर जो टैंक दिख रहा है ना, ये है केबल प्रॉपर है कि नहीं है, अर्थिंग केबल है या अपना वेल्डिंग मशीन का शॉर्ट केबल है, अर्थ केबल है, सब देखना है, होल्डर होल्डर। तीसरा पॉइंट है, काम करने से पहले हमको एरिया देखना है। एरिया हमारा कुछ ऐसा चीज नहीं है कि जो ज्वलनशील हो या हार्ड सामान हो, गिर सके, स्टैंड है, छिल जाए, ये सब हमको देखना है। कहाँ गया? भले आना।
तुम जा रहा था अभी और थोड़ू जी रही ने वर्षा तक चालू है ये मोहम्मद शफीक आलम, ये भाई साहब बिना हेलमेट का ये पूरा शार्ट में घूमते रहता है। नहीं लगाएंगे हेलमेट, क्या कर लीजिएगा, नहीं लगाएंगे। ये बिकी बोरा नहीं लगाएंगे, क्या कर लीजिएगा। ये सब रंगदारी सर, ये देखिए क्या कर रहा है लोग, ये बिहार बेगूसराय है, नहीं लगाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पे परेड पे एक्चुअली काम जो होता है वो सिविल का काम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सिविल का काम स्टार्ट हो चुका है। और सिविल का काम स्टार्ट होने के बाद ही पाइपिंग फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट होगा, तो प्रोजेक्ट का काम जारी है। और दिन रात रात दिन डे और नाइट पूरा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो ये अभी देखो सिविल का काम चल रहा है यहाँ पे। ग्रेट और ये मेरा इलेक्ट्रिशियन है। This is Ganga Jal. This is Ganga Jal Warner. टिफिन खुल गया और इस तरह से हम खाना खाते हैं। तो ऐसा होता है, देखो ये आयान का अपना टिफिन खोल रहा है, बिक्की भाई हमारा टिफिन खोल चुका है। और ये देखो ये पिटारा में क्या निकलेगा, ये देखो निकला है क्या, मटर। तो मटर खा करके हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी प्रोजेक्ट पर रेडी हो जाएगा। मटर खा के दिमाग खुलेगा आपका, क्या इनका भी मटर है? मेरा भी मटर है, बट मेरा ग्रीन मटर है, फ्रोजन मटर है। तो मॉक ड्रिल का प्रोसेस किया जा रहा है। एक्चुअली कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पे मॉक ड्रिल होता है, जहाँ पे अगर बाय चांस कभी आग लग जाता है तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप उनको आग को कैसे बुझाएंगे। सर जी जी, तो वो देखो सेफ्टी द्वारा किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट के अंदर अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आग लग गया तो कैसे बुझाएंगे उसे, उसमें वो आग लगाया गया है और उसे आग को बंद करेगा। जोर से बोलो। तो मैं तो हम जाने वाले हैं और दो साल तक काम किए, हमारा राजू भाई सेफ्टी वाला है, तो अच्छा लगे। ये हमारा अभिषेक और संटू है। तो यार देखो जा रहे हैं, तो मैं ब्लॉग में डालने वाला हूँ। नम आँखों से विदा करते हुए, नम आँखों से हम
जाते कंपनी में 2 रुपये वाला पार्टी दे के जाइएगा रिलायंस मॉल पे, कुछ ना कुछ चाहिए। ये मैं और ये मेरा दोस्त, मेरा साथी पप्पू सिंह, जो हम लोगों ने तकरीबन 2 साल कंटिन्यू काम किया इस प्रोजेक्ट में। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। और ये है हमारा प्रोजेक्ट जो लगभग कंप्लीट होने, मतलब हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है। ये बेयर हाउस और ये एक दो लाइन बचा जहाँ पे काम चल रहा है। तो मैं हूँ इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जाने वाला और ये मेरा इस प्रोजेक्ट का लास्ट वीडियो रहेगा, जो कि मैं शुरू से स्टार्टिंग से जो भी काम हुआ है वो है वीडियो इसमें। दादा और मुख्तार बोल रहे कुछ और आगे बोल रहा हूँ मैं ये कि हम लोगों ने 2 साल काम किया और मैं जाने वाला हूँ तो एक छोटा सा वीडियो बनता है तुम्हारे साथ। और ये देखो हमारा फिटर, मेरा एक ब्लॉग आ रहा है जो स्टार्टिंग से जब से हम लोग काम किए थे ना, मतलब जब से बिल्कुल ये ग्राउंड था, ग्राउंड से तब से वीडियो बन के रखा हुआ है। बट ये चढ़ा नहीं अभी, 2020 नहीं अभी बन रहा है, 21 से 21 से हाँ 21 से जब तक प्रोजेक्ट बन रहा पूरा है, जहाँ जहाँ हम लोग शूट किए थे जो रखा हुआ था मेरे पास पूरा है। और ये हो गया एडमिन बिल्डिंग जो अप्रॉक्सीमेटली देखो ये भी कंप्लीट हो चुका है। और इस पे जो इसका फोल्डिंग का काम चल रहा है उस पे ये वो शीशा जो बाहर का आता है ना वो शीशा लगने वाला है बस, बाकी अंदर का भी काम लगभग कंप्लीट हो गया है। ये है एडमिन और ये हो गया पीपी प्रोजेक्ट, पीपी लेबोरेटरी। और ये है देखो अपना वेयर हाउस, तो ये है वेयर हाउस। ये हो गया मेंटेनेंस बिल्डिंग इस प्रोजेक्ट का, जो भी यहाँ पे कुछ भी मेंटेनेंस का काम होगा तो इसी में होगा, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस बिल्डिंग। और ये है बेयर हाउस के अंदर की चीज़ें, बेयर हाउस के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट जो निकल के बन के निकलेगा ये है फाइनल स्टेज, यहीं से पैकिंग होगा और यहीं से पैकिंग होकर के ये लास्ट स्टेज है जो ये वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल स्टेज है प्लांट का वेयर हाउस, जहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा और पैकिंग होने के बाद यहाँ से ट्रांसपोर्ट। ये सही आदमी पकड़ के ला इसका ग्राउंड कुछ क्या नहीं, जो गांव है। और ये एडमिन बिल्डिंग है जिस पे अभी काम चल रहा है, यानी कि लगभग काम प्रोग्रेस पे ही है। ये सिविल का काम पूरा हो चुका है, थोड़ा वो फिनिशिंग का काम बाकी है इसका, तो फिनिशिंग का काम बाकी है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी काम होता है, आपको ये प्रोजेक्ट का व्यू देख रहा होगा, ये है अपना प्रोजेक्ट जो तैयार हो गया है। 2 साल पहले ये कुछ भी नहीं था और ये अभी लगभग तकरीबन तैयार हो चुका है, 80% हिस्सा तैयार हो चुका है। तो 80% हिस्सा जो तैयार हो चुका है, मैं अभी हूँ एडमिन बिल्डिंग पे, ये है एडमिन बिल्डिंग। और एडमिन बिल्डिंग से ये जो सामने का पूरा प्रोजेक्ट देख रहा पूरा प्रोजेक्ट है, ये हो गया जो ब्लू वाला जो देख रहा है वेयर हाउस हो गया, ये वेयर हाउस का एरिया है।
जितने भी मैन पावर है दिन रात हार्ड वर्क करता है, तो हार्ड वर्क करने के बाद ये प्रोजेक्ट रेडी होता है। तो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट रेडी होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट रेडी कैसे होता है। और ये जो बहुत सारा लाइन, बहुत सारा काम हो चुका है प्रोजेक्ट पे, और ये है फायर वाटर का लाइन, बहुत सा लाइन कम्प्लीट हो गया है। सिविल वर्क भी चल रहे हैं, पहले वो कम्प्लीट होने वाला है। और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की स्थिति में है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वर्कर्स मैन पावर से दिन रात 24 आवर्स अगर हार्ड वर्क कर रहा है, तभी जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। पीपल डूइंग हार्ड वर्क, कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, तब जाके ये कंप्लीट हो रहा है। तो लोग दिन रात मेहनत कर रहा है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। ये प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लोग कुड़ियार का भी पूरा दिन रात मेहनत करके काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है ये? लेकिन फायर मतलब जिसपे लाइन फायर पे जा रहा है। हाँ, लाइन चालू होने वाला है। गुड यार, गुड, तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है इंडिया को विकसित करने में। देखो ये हमारे वाइज ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। कैसा महसूस कर रहे हो यार तुम, इतना सारा काम, इतना लूट लेकर के? कौन चला रहा है? वाह, क्या बात है। मेरे साथ में है हमारा सीनियर इंजीनियर है, जो बताएंगे, जो स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट का लगभग कितना हिस्सा कंप्लीट हो गया होगा मिश्रा जी? यहाँ पे तो 70% कंप्लीट हो गया, अभी 30% बाकी है। हाँ। और कुछ कुछ अभी जो मैंने कुछ पंच पॉइंट वाला जॉब है या कुछ ऐसा छोटा मोटा पेंडिंग जॉब है, वही सब चलेगा। हाँ। मैक्सिमम जॉब, बड़ा जॉब सब खत्म हो गया। हाँ। और यही सब काम दोस्तों मिलिए हमारे इंजीनियर्स से, हमारे इंजीनियर्स देश के भविष्य, बिरला सीमेंट का भविष्य।
सस्ता नहीं सबसे अच्छा बांगर सीनियर इंजीनियर ये हमारे इंजीनियर से इन्होंने मिलकर ये देखो ये जो प्रोजेक्ट सामने दिख रहा है ये इन लोगों का कमाल है और इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है और जो दिन रात हार्ड वर्क करने के बाद और प्लांट में कुछ लाइन जो है ना उसको चालू करके दिखाया था जो उसमें स्टीम छोड़ा जाता है सिर्फ वो जो भी होता है क्लीन हो जाता है क्लीन करने के लिए स्टीम लाइन छोड़ा जाता है हर लाइन में स्टीम छोड़ा जाता है तो ये देखो स्टीम छोड़ा गया है जो कुछ लाइन जो स्टार्ट हो गया है तो ऐसा ये आवाज़ करना कर रहा है साउंड देखो इसका हमारा कंपनी का काम चल रहा है जो प्लांट का सबसे हाइट वाला एरिया है ये देखो प्लांट का सबसे हाइट वाला एरिया पे काम चल रहा है इसको बोलते हैं एक्सट्रूडर बिल्डिंग एक्सट्रूडर बिल्डिंग पे हमारा काम चल रहा है हम लोग स्पाइडरमैन बन जाएंगे ये है हमारा प्रोजेक्ट और मैं हूँ सबसे मतलब कि इस प्लांट के सबसे टॉप एरिया पे एक्सट्रूडर पे और यहाँ से ये लोकेशन देखो कैसा है ये बिल्कुल ये स्पेस से ये है पूरा प्रोजेक्ट जाते रहो और मेरे इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करने मतलब हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें अयान भी काम कर रहा है तो अयान बताएगा कैसा लग रहा है हम लोगों ने लगभग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया अयान तो बताओ कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है और हम सबसे हम हाइट पर भी आज आए हैं देख लीजिए ये हाइट है तकरीबन ये इसका जो है ना ये एक्चुअली इस प्लांट का एक्सट्रूडर बिल्डिंग है सबसे और इसका हाइट है तकरीबन 95 मीटर 95 मीटर है तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत डर भी लग रहा है होने वाला है और हम लोग घर जाने से पहले सोच रहे एक वीडियो बना लें
औरंगजेब खान से जो खोडियार कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं वो बताएंगे हमें कि काम कैसे कैसे इन्होंने काम किया, कैसे कैसे काम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इन्होंने। तो चलिए आप बताइए। हाँ, तो मैं तकरीबन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ 2021 से। जिस टाइम मैं काम करने के लिए आया था तो बिल्कुल ही फ्लैट था, बिल्कुल ही ग्राउंड था। इस टाइम में कुछ भी काम अलर्ट नहीं हुआ था, सीधे काम कुछ स्टार्टिंग हुआ था। जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ उस बिल्डिंग का नाम है एक्सक्लूडर बिल्डिंग और इसकी हाइट है 95 मीटर। तकरीबन वो जस्ट स्टार्ट हुआ था काम, उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ और अप्रोक्सीमेटली 95% काम वर्क कम्प्लीट हो चुका है। तो एक्चुअली कम्प्लीट हो चुका है तो मैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ कि हम लोगों ने काम कहाँ से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं एक QNQC पाइपिंग इंजीनियर हूँ और मैं जो बात कर रहा है वो सामने वाला बंदा है HVAC इंजीनियर। तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए कोई एक इंजीनियर या एक मैन पावर नहीं चाहिए। दिन रात हमने और टेक्नीशियंस ने सब ने मिलकर हार्ड वर्किंग किया तब जाके ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ है। तो मैं भी हाइट पे हूँ और देख सकते हो मैं ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। यार हम लोगों ने एक अचीवमेंट किया और ये सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोजेक्ट हज़ारों साल तक रहेगा, हम रहें या ना रहें लेकिन ये प्रोजेक्ट रहेगा। और यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ। माल बनाना चाहिए। ये खराब भुला गया कि हम पढ़ा लिखल रही कब बताए। हेलो निकलेस देखे क्या बोल रहा था, किससे सुनो क्या क्या कर रहे हैं।
दिन आप बोलेंगे ना उस दिन बोलेंगे हम सैलरी को देगा तो ठीक है, नहीं देगा वीडियो बोल रहे वो भी देगा क्या। और ये है प्रोजेक्ट का फायर स्टेशन, तो फायर स्टेशन बन करके तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट पे लगभग एरिया सब सारा का सारा तैयार हो चुका है। ये फायर स्टेशन और यहाँ पे गाड़ी भी लग चुकी है और ये हो गया है रेडी। और ये है फायर स्टेशन की गाड़ियाँ, अगर सपोज कहीं पे आग लग जाता है तो उसके लिए ये गाड़ी जाती है। ये फायर स्टेशन हो गया है तैयार। और ये है फायर स्टेशन, फायर स्टेशन बनकर हो गया है तैयार। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये है बुलेट टैंक, बुलेट टैंक एरिया। बुलेट टैंक का जहाँ भी आप सुना जाएगा कि टैंक है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल जो है यहाँ पे स्टोरेज होगा। तो ये है बुलेट टैंक जो भी बनकर हो गया है तैयार। ये सारा में सारा सिर्फ पंच पॉइंट थोड़ा बहुत बाकी होगा, बाकी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो ये है क्या बुलेट टैंक। तो इस प्रोजेक्ट पे जितने जो भी कुछ बनता है या जो इक्विपमेंट का एरिया होगा, ये देखो लेडर है ऊपर जाने का, बुलेट टैंक ऊपर जाने का ये है लेडर। और मैं अभी चढ़ा हूँ बुलेट टैंक के ऊपर और ये है बुलेट टैंक का पूरा एरिया। इसके अंदर टैंक है जो सैंड से सारा कवर कर दिया गया है और कवर करके इसे बोल्डर से कंक्रीट कर दिया गया है। और ये है देखो पूरा मेरा प्लांट जो यहाँ से दिख रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली पूरा प्रोजेक्ट पर लगभग काम जो है कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अगर काम चलेगा तो 2 से 3 मंथ का और चलेगा, वो भी पंच पॉइंट और कहीं पे फायर वाटर कलान या कहीं पे कुछ भी पंच पॉइंट ही बैलेंस है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। और मैं अभी जो चढ़ा हूँ जहाँ पे हूँ, जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वो एरिया है बुलेट टैंक। ये है बुलेट टैंक का एरिया, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। ये है बुलेट टैंक जिसका भी काम अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। और ये एक इक्विपमेंट है जहाँ पे कंक्रीट करने के लिए यूज़ होता है, एक्चुअली जहाँ पे दूर पॉसिबल नहीं होता है, मैन पावर से कंक्रीट करना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मशीन के इक्विपमेंट का यूज़ होता है यहाँ पे। और ये एरिया इसको बोलते हैं कलवर्ट लाइन, जो अप्रोक्सीमेटली कम्प्लीट हो चुका है 99%। इसमें कहीं पंच पॉइंट होगा तो वो क्लियर कर लोगे। इस लाइन को हम लोग नहीं किया है, ये 48 इंच का लाइन है, ऊपर 24 इंच का लाइन गया हुआ है। ये लाइन लग करके पूरा पेंट हो गया है, चार्ज भी हो गया है, ये लाइन चार्जर लाइन है, ये चार्जर लाइन है, लिखा है चार्ज लाइन यार, ऑलरेडी मेंशन है। और ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो प्रोजेक्ट का लगभग कंप्लीट हो चुका है। और हम ऐसे ब्लॉक बनाए होंगे, ये देखो लाइन, ये पेंट होता है, पेंट पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा लाइन है, ये फायर वाटर लाइन हो गया और ये हो गया चिल वाटर लाइन हो गया, चिल वाटर नहीं कोल्ड वाटर लाइन हो गया, ये वाला जो ग्रीन वाला है, और वो हो गया फायर वाटर की लाइन हो गया। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली इस एरिया का नाम है कलवर्ट एरिया, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और हम जा रहे हैं कलवर्ट के ऊपर यानी कि रिफाइनरी के अंदर आ गए हैं। ये लाइन हो गया, लाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये है रिफाइनरी, रिफाइनरी से कनेक्ट हो गया, जो भी मटेरियल यहाँ से आएगा और पीपी प्लांट के अंदर जाएगा। और हम आ गए कलवर्ट से ऊपर आ गए, यानी पीपी प्लांट के अंदर आ गए, रिफाइनरी से पीपी प्लांट के में आ गए। ये है पीपी प्लांट का एरिया और ये है कलवर्ट का लाइन, ये है कलवर्ट जो रिफाइनरी से बाहर आ गया। और ये लाइन चला गया है, इसको बोलते हैं स्लीपर लाइन, स्लीपर लाइन से कलवर्ट होते हुए रिफाइनरी को चल गई, पूरा रेडी हो गया, वो हो गया रिफाइनरी जो दिख रहा सामने, रिफाइनरी चला गया है। बहुत से लाइन में ये कंप्लीट हो चुका है और स्लीपर लाइन से होते हुए ये पीपी प्लांट के अंदर चला गया है, सारा लाइन कंप्लीट है और ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया है।
पूरा लाइन कंप्लीट हो चुका है और हम अभी बाग में घूम रहे हैं। ये हो गया फायर वाटर रिंग मेन फ्रॉम OSBL, वो हो गया कूलिंग वाटर। तो सारा का सारा चार्ज लाइन है, सारा कंप्लीट हो चुका है। सारा लाइन कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट ये हो गया। यहाँ से प्लांट क्या है, सब सेक्शन में बटा हुआ है, सब डिपार्टमेंट बटा हुआ है। ये हो गया प्रोपिलिन सेक्शन, यहाँ पर इक्विपमेंट वगैरह सारा लगा हुआ है। ये हो गया प्रोपिलिन सेक्शन। और ये हो गया पाइप रैक, ये मेन पाइप रैक है। यहाँ से जो भी पाइपलाइन यूजी का पाइपलाइन है इसी ऊपर से गया हुआ है। पाइपलाइन भी कंप्लीट हो चुका है। कॉलम एरिया, ये है सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन है जिसमें कुछ और अलग अलग टाइप का प्रोसेस होगा। तो वो भी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। तो प्लांट में लगभग चीज़ें कंप्लीट हो चुका है और उसको बोलते हैं कॉलम। ये कॉलम है और यहाँ पर अलग प्रोसेस, कुछ और प्रोसेस होगा जो भी इसका प्रोसीजर है। ये है 310 वोल्ट इतना प्रोपेलिन ड्रायर, ये दोनों। और ये है देखो यार, हीट एक्सचेंजर, पाइप सिस्टम, ये है रिएक्टर, रिएक्टर है। और ये हो गया एक्सक्रूडर बिल्डिंग का है, यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रहा है। तो प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। और ये हो गया सब स्टेशन, और ये हो गया कंट्रोल रूम। ये है सब स्टेशन का बिल्डिंग, ये सब स्टेशन हो गया। उसमें से ये सब स्टेशन का पूरा प्लांट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा ये यहीं से होगा। पूरा केबल देखो, केबल अंदर से ये सेंट से बैक फिलिंग कर दिया गया है, पूरा केबल गया हुआ है। और ये है सब स्टेशन, और ये वाला बाजू वाला, ये वाला है कंट्रोल रूम। और ये इधर देखो, ये सामने जो दिख रहा है वो रिएक्टर है। ये हो गया एक्सक्रूडर बिल्डिंग, ये हो गया मेन पाइप रैक। तो पूरा प्रोजेक्ट का काम जो है लगभग कम्प्लीट हो चुका है। और ये है कंट्रोल रूम और सब स्टेशन के बीच से एक रास्ता। और ये हो गया सब स्टेशन के अंदर का सीन, पूरा पाइप रेक से केबल गया हुआ है। और ये पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी एरिया हर जगह सप्लाई करना यहीं से सप्लाई होगा। और ये इक्विपमेंट है, किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर काम करते हो तो यहाँ पे चिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ता है। यानी कि चिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ता है प्लांट को, मतलब कुछ भी प्रोसेसिंग करने के लिए। तो चिल्ड वाटर के लिए ये इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये इक्विपमेंट का काम है पानी को चिल्ड करना। तो ये चिल्ड वाटर का काम चल रहा है हम लोगों का। तो ये ऐसा होता है चिल्ड वाटर करने का जो इक्विपमेंट होता है, घर में तो नॉर्मल फ्रिज यूज करते हैं पानी को चिल करने के लिए, बट यहाँ पे ये इक्विपमेंट होता है। तो यहाँ पे 3 इक्विपमेंट लगा हुआ है, 1, 2 और 1 उस आदमी 3।